Hey everybody, this is Brajesh here और आप देख रहे हैं CBA Commentary। दोस्तों, जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, वैसे-वैसे हमारी अर्निंग कैपेसिटी भी कम होती चली जाती है। और साथ ही साथ हमारे जो मेडिकल से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, वो भी इंक्रीज होने लगते हैं बढ़ती एज के साथ। और इस चीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहचाना है, रिकॉग्नाइज किया है और देश के वरिष्ठ नागरिकों यानी के सीनियर सिटीजंस को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स और रियायतें अंडर इनकम टैक्स एक्ट दी गई है। इस वीडियो में हम ऐसे ही बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे जो कि सीनियर सिटीजंस को दिए गए हैं एज पर इनकम यानी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ऐसे कुछ स्पेसिफिकली टैक्स बेनिफिट्स हैं जिनका फायदा ऐसे व्यक्ति ही ले सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है, यानी कि कोई भी सीनियर सिटीजन जो कि 60 साल की अपनी उम्र पार कर चुके हैं, वे अगर अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो उनको कई सारे बेनिफिट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दिए जाते हैं एक डिडक्शन या एग्जेम्पशन के रूप में। आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही कुछ बेनिफिट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा जिन सबका फायदा सीनियर सिटीजंस अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय ले सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा एक और डिडक्शन की जो कि एक्सक्लूसिवली मिलता है सीनियर सिटीजंस को, और वो है अंडर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। जैसा कि आप सबको पता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत बढ़ गया है और इसीलिए हर एक के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो मेडिक्लेम पॉलिसी ले, और उसके लिए उनको जो प्रीमियम पे करनी पड़ती है उसके लिए भी एक डिडक्शन दिया गया है इनकम टैक्स के अंदर, और वो है अप टू ₹50,000 फॉर मेडिक्लेम प्रीमियम पेड बाय सीनियर सिटीजन। इसके उलट अगर कोई नॉन सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए ये डिडक्शन सिर्फ ₹25,000 तक का एक साल में क्लेम किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी हेल्थ के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं और उसका प्रीमियम पे करते हैं तो वो ₹50,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एक साल में, जबकि नॉन सीनियर सिटीजन के लिए ये सिर्फ ₹25,000 तक का है मेडिक्लेम पॉलिसी की प्रीमियम के लिए। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूंगा, यदि आप ऐसे नॉन सीनियर सिटीजन हैं और आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई मेडिक्लेम पॉलिसी परचेस करते हैं तो उसकी पॉलिसी पर आपने जो प्रीमियम पे करी है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ₹25,000 का डिडक्शन और मिलता है। वो एक नॉन सीनियर सिटीजन को ओवर एंड अबव ₹25,000 मिलता है क्योंकि एक नॉन सीनियर सिटीजन ने अपने पेरेंट्स की मेडिक्लेम पॉलिसी की प्रीमियम पे करी है। दोस्तों, कई बार ये देखा गया है कि आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए वो इतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि आपको डिडक्शन अवेलेबल है अंडर सेक्शन 80D। तो आपके पास एक ऑप्शन और भी है इस डिडक्शन को क्लेम करने का, कि अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप यानी के ब्लड टेस्ट या ECG वगैरह जो भी आप कराते हैं, यानी के जो आप अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं उसके लिए आप अगर ₹5,000 किसी साल में पेमेंट करते हैं तो जो मैंने आपको अभी लिमिट्स बताई हैं उसकी लिमिट के अंदर आप इस 5,000 को भी क्लेम कर सकते हैं। तो ₹5,000 तक के एक्सपेंसेस को आप 80D की इस लिमिट में इंक्लूड कर सकते हैं और डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपनी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के साथ साथ। तो आपकी लिमिट वही रहेगी लेकिन उसमें आप ये ₹5,000 अपनी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर एक्सपेंस किए गए अमाउंट को एज डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग ये है, यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं या आप स्वयं
सीनियर सिटीजन हैं और यदि आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी है या आपके पेरेंट्स ने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ले रखी है और वो सीनियर सिटीजन हैं, तो उनके मेडिकल के लिए जो एक्सपेंसेस हो रहा है, चाहे वह आप मेडिसिन बाई कर रहे हैं या डॉक्टर की कंसल्टेशन फी है या फिर आप अपना हेल्थ चेकअप के लिए कोई पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई भी मेडिकल एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं, तो आप ₹50,000 तक के एक्सपेंसेस को अंडर सेक्शन 80D में क्लेम कर सकते हैं एक साल के अंदर, यदि आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई मेडिकल एक्सपेंसेस कर रहे हैं जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है और आपने उनकी कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ले रखी है, तो एक साल में अप टू ₹50,000 तक के मेडिकल एक्सपेंसेस आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में क्लेम करना ना भूलें। इसी तरह यदि आप स्वयं सीनियर सिटीजन हैं और आप अपने ऊपर कोई मेडिकल खर्चा कर रहे हैं किसी भी तरह के, चाहे वो ओपीडी के खर्चे हो या हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हो, उसके लिए आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं यदि आपने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ले रखी है। तो अब मैं बात करूंगा एक और डिडक्शन की जो कि अवेलेबल है सुपर सीनियर सिटीजन्स के केस में अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सुपर सीनियर सिटीजन्स वो होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने अपनी उम्र के 80 या उससे ज्यादा साल पूरे कर लिए हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि इनकम टैक्स के अंदर आज की तारीख में सभी एसएससीज के लिए ये मैंडेटरी है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, यानी ई रिटर्न फाइल करें। लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन्स के केस में वो सिटीजन्स अगर उनकी इनकम में इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है और अगर उनकी इनकम ₹5 लाख से भी ज्यादा है तो भी वो पेपर फॉर्म में अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी फिजिकली अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए ये स्पेशल छूट दी गई है इनकम टैक्स के अंदर कि अगर उनकी इनकम में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं इंक्लूड है और यदि उनकी इनकम ₹5 लाख से भी ज्यादा होती है तो भी वो पेपर फॉर्म में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अभी आपसे डिस्कस किए कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स जो कि अवेलेबल हैं सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और इन डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस को क्लेम करके सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स एक बड़ा अमाउंट इनकम टैक्स में सेव कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो आप इन डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का फायदा लेकर अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को कम कर सकते हैं और इस तरह से आप अपना बहुत सारा पैसा टैक्स के रूप में बचा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट ने एसएससीज के लिए लोअर टैक्स रिजाइम भी ऑफर करी है। यदि आप इस न्यू लोअर टैक्स रिजाइम को ऑफ करते हैं जिसमें आपको कम रेट पर टैक्स देना पड़ता है, तो अभी आपसे जो मैंने डिडक्शंस शेयर की हैं सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स के केस में अंडर सेक्शन 80D, 80DDB एक्सेट्रा, वो उनको अवेलेबल नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी और इस साल का जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेंगे तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट को बताकर इन बेनिफिट्स को जरूर क्लेम या अवेल कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मुझे लाइक का सिग्नल जरूर दीजिएगा। आपको लगता है
ये इंफॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है, जो मुझे लगता है बिल्कुल आ सकती है। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो तक आ गए हैं, बाकियों तक इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, तो वो हमें जरूर पूरी करनी चाहिए। इसी तरह के वेरियस कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स मैं सिंप्लीफाई करता हूं अपने YouTube चैनल CABA Inventory पर। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं जरूर आपसे ये कहूंगा कि आप इसको कंसीडर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपके पास आ सके और हम और आप मिल सके एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी हेल्थ का और अपनी वेल्थ का अच्छी तरह से ख्याल रखिए। बाय।